दोस्तों, अगर आपके पास एक अच्छा सा गेमिंग पीसी है तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप उसकी ओवरक्लॉकिंग ना करते हो। और ओवरक्लॉकिंग के रूल्स में ये शामिल है कि आपके पास एक अच्छा सा कूलर भी हो, और अगर ये कूलर कूलर मास्टर का हो तो क्या ही बात है। दोस्तों, आज हम कूलर मास्टर के मास्टर एयर MA620P की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। मेरा नाम है उवैस और आप देख रहे हैं टेक्नोफाइल उवैस, और चलते हैं फिर जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। दोस्तों, ये आ गया हमारा कूलर मास्टर का मास्टर MA620P, जिसकी आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसके बॉक्स को देख लेते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ये सपोर्ट करता है RGB वगैरह, असोस को, ASRock को, MSI वगैरह को। इसके अलावा जो है यहाँ पे ये कूलर बना हुआ है। इसके अलावा जो है यहाँ पे इसका मॉडल वगैरह लिखा हुआ है, और बैक पे करें तो बैक में जो उसकी चीज़ें वगैरह हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं इसको स्टॉप करके, मैं स्टॉप अब जो है इसको करके देख लीजिएगा। इसके अलावा जो है यहाँ पे लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं, इंग्लिश वगैरह, जापानीज, रशियन वगैरह, ये सब लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो है इसके डायमीटर्स वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखे तो यहाँ पे इधर स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। ये भी जो है आप वीडियो को स्टॉप करके चेक कर सकते हैं, इसकी स्पेक्स और इसके सॉकेट्स वगैरह के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, कि ये कौन कौन से सॉकेट्स को सपोर्ट करता है। ये जो है AMD और इंटेल दोनों को सपोर्ट करता है। इधर डायमेंशन हैं, हीट सिंक वगैरह की डायमेंशन हैं। इधर जो है आप मज़ीद चीज़ें चेक कर सकते हैं, LED कलर्स वगैरह, फ़ैन का एयर फ्लो वगैरह, कनेक्टर वगैरह, सेफ्टी वगैरह, सब कुछ, पावर वगैरह, सब कुछ, ईच एंड एवरी थिंग यहाँ पर लिखी हुई है। वारंटी भी लिखी हुई 2 ईयर्स, जो कि पाकिस्तान में हमें मिलती नहीं है। अगर हम यहाँ से परचेस करते हैं तो यहाँ पे नो वारंटी, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है नो वारंटी, यानी कोई वारंटी नहीं मिलती हमको यहाँ पर। बखैर, किसी टाइम में आकर हम जो इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। ये हटा के दे हैं हटा देते हैं सबसे पहले इसको हम, और इसको बॉक्स को हम ओपन कर लेते हैं। जब बॉक्स को ओपन करेंगे तो सबसे पहले एक हमारे पास जो है बॉक्स नज़र आएगा। इसको हम पहले साइड पे कर देंगे, और ये तो खैर खाली है, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है हम इसको हटा लेंगे और बॉक्स को ओपन करके, और सबसे पहले जो है हम अपना कूलर निकाल लेंगे। ये है हमारा कूलर। अब बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, बॉक्स को हम साइड पे कर देते हैं। ये आ गया है हमारा कूलर, जो कि आप देख रहे हैं, ये आपके सामने है कूलर। एक यहाँ पे RGB फैन लगा हुआ है, और एक सेंटर में RGB फैन लगा हुआ है। इसके अलावा एक हम RGB फैन यहाँ भी लगा सकते हैं। ये हीट सिंक वगैरह है, जैसे कि आप देख सकते हैं, पूरा पूरे जो है यहाँ पे फ़ैन वगैरह है। ये फ़ैन के कनेक्टर्स हैं, ये फ़ैन के कनेक्टर जो है ये कनेक्ट हो जाएंगे आपके मदरबोर्ड वगैरह से। उसके बाद जो है आपका फिर ये इजी चल जाएगा कूलर। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दोबारा दिखा दूँ कूलर मास्टर का। ये है हमारा कूलर MA620P, हर एंगल से मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा हम इसके जो 7 एसेसरीज वगैरह आई हैं उसको हम देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ये जो है इसका बॉक्स आया है साथ, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। ये जो है AMD के सॉकेट हैं, जो कि AMD के प्रोसेसर के साथ लगते हैं ये। इसके अलावा जो है ये देख लेते हैं, ये केबल्स वगैरह हैं कुछ, ये देख सकते हैं, जो कि आप RGB वगैरह की जो उसकी है उसकी केबल से कनेक्ट हो जाएंगी ये केबल्स। इसके अलावा जो है इसके साथ जो एसेसरीज वगैरह आई हैं, ये जो है फ़ैन के लिए हैं, अगर हमें कोई एक्स्ट्रा तीसरा फ़ैन जो है कनेक्ट करना हो। सॉरी, मैं इसको निकाल लेता हूँ, आई थिंक फंस गया है कहीं। ओके, ये आ गया है। तो ये अगर हमें कोई एक्स्ट्रा फ़ैन कनेक्ट करना हो तो उसके लिए ये है, आप ये एक्स्ट्रा फ़ैन कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ये इसका सॉकेट है, ये कनेक्ट होगा। अगर इंटेल का है तो इंटेल का जो है इससे कनेक्ट होगा, और अगर AMD है तो AMD का इससे कनेक्ट होगा। ये दोनों हैं और उसका दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जो है ये रिमोट है RGB कंट्रोल करने का, इसको RGB को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो है ये इंटेल के जो हैं सॉकेट हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ चिप्स वगैरह हैं ये कनेक्ट करने के लिए जो है लगाई जाती हैं, ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा जो है ये एक अदद ये थर्मल पेस्ट है इसके साथ कूलर मास्टर का,
ये भी मैं आपको सही से दिखा दूँ, मास्टर जेल लिखा हुआ है, थर्मल कंपाउंड। ओके, अब इसके बाद जो है ये सॉकेट्स के बारे में आपको बता रहा था। ये जो है आपके, ये इंटेल के सॉकेट्स हैं। अगर आपको इंटेल से कनेक्ट करना हो, इंटेल का प्रोसेसर लगाना हो, तो आप ये वाले सॉकेट कनेक्ट करेंगे। अगर जो है आपके पास AMD का AM4 है, तो उसके साथ आप फिर ये वाला कनेक्ट करेंगे। और स्क्रू अगर आपको टाइट करने हो, तो उसके लिए आपको ये कदर दिए, आपको ये दिया। अगर आपको कनेक्ट करना हो, तो उसके लिए आपको ये दिया हुआ है, ताकि आप इससे स्क्रू वगैरह कनेक्ट कर सकें। इसके अलावा इसके अंदर जो स्क्रूज़ वगैरह हैं, नट्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। और ये भी जो है आपके, ये कनेक्ट होते हैं, ये भी इसके साथ चार आए हैं। इसका मुझे नाम तो नहीं पता कैसे क्या कहते हैं, मगर ये कनेक्शन के अंदर ही शामिल होते हैं सारी चीज़ें। ये जो है आपकी, ये जो है इंटेल के जो हैं ब्रैकेट्स हैं वाले, और जो पहले मैंने आपको दिखाया था वो AMD के थे, AM4 के। इसके अलावा जो है हमारे पास एक यूज़र मैनुअल है, यूज़र गाइड है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, सेकंड टाइम कर रहे हैं, या जितनी दफ़ा भी कनेक्ट कर रहे हैं, तो आप ये लाजमी ज़रूर आप चेक करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं आप गलती से गलत कनेक्ट कर दें और आपका फिर प्रोसेसर जो है वो उड़ जाए। और ये इसके साथ जो ये सारी चीज़ें जो पैकेज कंटेंट है, ये सब इसमें शामिल है, क्या क्या चीज़ें इसके साथ आई हैं। तो ये भी आप सबसे पहले जब भी आप जो है ये परचेस करें, तो सबसे पहले आप ये चेक करें कि सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं या नहीं है। अगर इसमें एक भी चीज़ कम हो गई, तो समझ लें आपका फिर प्रोसेसर जो है इससे कनेक्ट नहीं हो पाएगा, फिर आपको उसके लिए ख्वार होना पड़ेगा। ये सारा इसका जो यूज़र मैनुअल है, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा जो है इस तरह कनेक्ट होता है ये। इसके अलावा पीछे भी यहाँ पे लिखा हुआ है, पीछे भी यहाँ पे चीज़ें डायग्राम्स बनी हुई हैं, ये भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी अनबॉक्सिंग कूलर मास्टर के MA620P की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जो है इसको इंस्टॉलेशन करके दिखाऊंगा। तो आप जो है, अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो आप इसको लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़। Oh,